फ्रेंड्स, आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आपके लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो आप सब ऑलरेडी जानते होंगे। आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्शंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शंस रहती हैं। इसे हम मार्क करते हैं नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। इन्हीं डायरेक्शंस को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को, इन डायरेक्शंस को बनाएंगे एक डायग्राम के रूप में। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम जनरेट करेंगे, उसके अंदर आपका डिस्टेंस भी यूज होगा, डायरेक्शन भी यूज होगा। डिस्टेंस थोड़ा सिंपल रहेगा, मेन फोकस हमारा रहेगा डायरेक्शंस के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस के साथ। सबसे पहले दिया क्या गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, टोटल यहां तक 9 हाउसेस प्रेजेंट हैं। सबसे पहले कहा गया सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। इसको ड्रॉ करेंगे क्लास। जो बी है वो सी के कहां पर है, सॉरी, जो सी है वो बी के कहां पर है, ईस्ट में। अब सी जो ईस्ट में है मतलब वो इस साइड पे होगा और बी कहां पर होगा, वो वेस्ट साइड पे होगा। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम वेस्ट की तरफ बनाएंगे बी और ईस्ट की तरफ बनाएंगे सी। बी और सी में डिस्टेंस कितने का है, 2 किलोमीटर का। आगे ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमने जो ये डिस्टेंस बनाना है ये सिमेट्रिकल बनाना है। मतलब अगर यहां पर 2 किलोमीटर है तो ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर रफली इसका हाफ होना चाहिए। क्या कहा गया था, ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए कहां पर होगा, बी के 1 किलोमीटर नॉर्थ में। ये लीजिए, आगे आइए। एंड एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। एच जो है वो ए के साउथ में है कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। देखिए ए से 2 किलोमीटर साउथ में मतलब नीचे। यहां पर 1 किलोमीटर पर तो ऑलरेडी बी है, मतलब मुझे उसके साउथ में बनाने के लिए 1 किलोमीटर और नीचे आना पड़ेगा। एच टोटल 2 किलोमीटर नीचे है, 1 किलोमीटर नीचे ऑलरेडी बी है, तो बी से 1 किलोमीटर नीचे क्या बन जाएगा, एच। कितना, 1 किलोमीटर टू द साउथवर्ड डायरेक्शन। आगे कहते हैं जी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच। जो जी है वो 1 किलोमीटर वेस्ट में है, किसके, एच में। अब जी एच के 1 किलोमीटर वेस्ट में है, एच कहां पर आया, इस जगह पर आया। फिर से मार्क करके दिखा रहा हूं, एच कहां पर है, यहां पर है। अब इसका 1 किलोमीटर वेस्ट मतलब वेस्ट इस डायरेक्शन में, जो कि यहां पर दिखाया जा चुका है। तो इधर को 1 किलोमीटर और जाएंगे, यहां पर आ गया जी और दोनों में डिस्टेंस आ गया 1 किलोमीटर। आगे आइए, डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी। जो डी है वो जी के 3 किलोमीटर ईस्ट में है। ध्यान से देखिएगा, जी का 3 किलोमीटर ईस्ट। अब ईस्ट कहां पर होगा, इस तरफ को होगा। 1 किलोमीटर पर तो ऑलरेडी एच है, मुझे और कितने किलोमीटर लेकर जाने हैं, 2 और। टोटल कितना है, 3।
एक ऑलरेडी यूज हो गया, दो रिमेनिंग रह गया। ध्यान से देखिएगा क्लास, यहां पर बी से 2 किलोमीटर दूरी पर सी है, एच से 2 किलोमीटर दूरी पर मुझे डी बनाना है, तो होगा क्या, सी के बिल्कुल पैरेलल यहां पर आएगा आपका डी, ये लीजिए। अब एच से कितनी दूरी पर बना, 2 किलोमीटर की दूरी पर, चेक करो जी से कितने किलोमीटर की दूरी पर बना, ये एक ये दो, टोटल कितना हुआ, 3 किलोमीटर। आगे एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, एफ कहां पर है, जी के नॉर्थ में कितना, 2 किलोमीटर। अब जी का नॉर्थ तो ये पूरा होगा, 2 किलोमीटर चेक कीजिएगा कैसे होगा, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये जो ए है ये एच के पूरा 2 किलोमीटर ऊपर है, तो इसी के पैरेलल क्या बच जाएगा, एफ बन जाएगा कितना, 2 किलोमीटर। आगे आई इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बी एंड सी, बी और सी के मिडल पे कौन है, आई, तो बी और सी जो टोटल 2 किलोमीटर है उसका मिडल, मतलब 1 किलोमीटर यहां 1 किलोमीटर यहां, ये लीजिए, इस दो को मैं 1 और 1 में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां पर क्या आ गया, दैट इज आई, ये लीजिए। लास्ट लाइन, व्हाइल ई इज जस्ट इन द मिडल ऑफ एच एंड डी, ई कहां पर है, एच और डी के मिडल में, आपको ही लगता है ये सेम प्रोसीजर होगा जो हमने बी और सी के लिए अप्लाई किया था, अगर एच और डी में 2 किलोमीटर है उसका मिडल, मतलब 1 किलोमीटर यहां 1 किलोमीटर यहां, और ई कहां पर आ गया, उन दोनों के मिडल में। अब चेक कीजिए, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो आपके पास 9 हाउसेस थे वो यहां पर कंप्लीट हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए ई और आई के बीच में, देखिए क्लास, ई और आई के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा, दैट इज जितना डिस्टेंस बी और एच के बीच में है उतना ही डिस्टेंस ई और आई के बीच में होगा, दैट इज 1 किलोमीटर। सिमिलर एक और क्वेश्चन आपसे डी और सी और डी के मिडल में पूछ लिया जाए, सी और डी के बीच में पूछ लिया जाए कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो जितना डिस्टेंस बी और एच में था उतना ही आई और ई में था, उतना ही सी और डी में होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए और एच में कितने का डिस्टेंस था, 2 किलोमीटर, ए और एफ में कितने का डिस्टेंस है, अगर जी और एच में 1 का है तो ए और एच में भी कितने का होगा, 1 का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए और डी में कितने का डिस्टेंस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, देख लीजिए एक बार, पहले ए से एच पर आओ, ए से एच पर, ए से एच पर कितना हुआ, 1 प्लस 1 2, एच से डी पर कितना हुआ, 1 प्लस 1 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए और डी का डिस्टेंस, क्लास लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या दिक्कत है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आप लोग खुद करेंगे। आगे आ जाइए, हमने डिस्टेंस की बात कर ली, अब हम बात किसकी करेंगे, डायरेक्शन की। अगर आपसे पूछ लिया जाए A is in which direction with respect to H? फिर से A is in which direction with respect to H? So A कहां पर है? H के north में. Similarly, B कहां पर है? C के with respect to west में. C कहां पर है? With respect to B east में. D कहां पर है? With respect to C साउथ में. सी कहां पर है? विद रिस्पेक्ट टू डी नॉर्थ में. आगे कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं क्लास. अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ
इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी। एफ कहां पर है, किसके विद रिस्पेक्ट, डी के। चेक कीजिएगा, मैंने पॉइंट किसको माना, डी को। डी से ऊपर नॉर्थ, डी के इस तरफ वेस्ट, तो एफ जो है वो ऊपर भी है वेस्ट में भी है। सो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। क्लास, नॉर्थ वेस्ट की तरह से हमारे पास चार डायरेक्शंस बनती हैं जो मैंने आपको यहां पर बताया था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जल्दी से चारों का एक एक एग्जांपल कर देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर क्या होगा, जी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर क्या होगा, साउथ में भी है वेस्ट में भी है, आंसर इज साउथ वेस्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए डी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एफ, आंसर क्या होगा, डी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्या होगा, साउथ में भी है ईस्ट में भी है, आंसर इज साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से क्लास हमें डायरेक्शंस भी देखनी है, हमें डिस्टेंस भी देखना है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्लास, और ज्ञानम के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।